हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स में। शरीर को फिट और स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले पाचन क्रिया का दुरुस्त होना जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएं कि बुखार में गर्म पानी ही क्यों पिएं। डॉक्टर्स का ये मानना है कि यदि आपका पेट ठीक है तो आधे से ज्यादा बीमारियां आपको नहीं होंगी। यदि आपका डाइजेशन ठीक है तो आप ठीक हैं। आपने सुना भी होगा, पहला सुख निरोगी काया। स्वस्थ शरीर से ही दिमाग स्वस्थ होता है और जब दिमाग स्वस्थ होता है तो स्वस्थ विचार भी आते हैं, जिनसे हमारे जीवन की आधारशिला रखी जाती है। हम दिन पर दिन तरक्की करते हैं। स्वस्थ रहने की पहली शर्त है आपकी पाचन शक्ति का सुदृढ़ होना। भोजन के सही डाइजेशन के अभाव में शरीर अस्वस्थ हो जाता है, मस्तिष्क शिथिल हो जाता है और कार्य क्षमता प्रभावित होती है। जिस प्रकार व्यायाम में अनुशासन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार भोजन में भी अनुशासन महत्वपूर्ण है। अधिक खाना, अनियमित खाना, देर रात तक जगना, ये सारी स्थितियां आपके पाचन तंत्र को प्रभावित करती हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि पाचन शक्ति को दुर्बल होने से बचाएं। पाचन तंत्र का दुर्बलता दूर करने के लिए गर्म पानी पिएं, जो आपकी पाचन क्रिया को सही रखेगा। तो आइए आपको बताते हैं कि पेट के लिए गर्म पानी कितना जरूरी है। गर्म पानी पीने से शरीर के हानिकारक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। सुबह खाली पेट और रात को खाने के बाद गर्म पानी पीने से पाचन संबंधी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। गर्म पानी पीने से कब्ज और गैस जैसी समस्याएं नहीं होती। भूख बढ़ने में भी एक गिलास गर्म पानी बहुत फायदेमंद होता है। तो जाना आपने हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त बनाने में गर्म पानी कितना उपयोगी है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी वैद्यों एवं आयुर्वेदाचार्यों की लिखी गई रचनाओं से लिए गए हैं। आप इन्हें पूरे विश्वास के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।